से अगर खाता चुना रही उसके लिए अल्लाह अल्लाह से अगर खाता संबंध बनता है वो तो ईद बाहर मना रहा है ना, तो ईद में अंदर तो नहीं है ना, और वो अंदर टिक टिक उसके साथ अंदर शुरू है ना, तो वो भी ईद बना है ना, तो वो सीधा खून में गया ना, या मस्जिद की बात नहीं है, फिरके की बात नहीं है, अल्लाह को अंदर बसाने और इसकी बात है। अब जब रगड़ा लगा अल्लाह अलग जी दिए रगड़ा लग गया मखमल नहीं जाता है, जिक्र जिक्र ही है, इबादत है, रुहानी भी है, लेकिन जब रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। अब वो नूर जो है स्कूल में चला जाता है, ये खून नहीं रहता, वो जो तुम्हारे अंदर अल्लाह लहर दिल की धड़कन के साथ धड़कन का पहले भी खून जो है ना, वो नूर खून में चला जाता है, खून से होते हुए नस्ल में चला जाता है, नस्ल से होते हुए तुम्हारे ही होते अंदर बाहर तो नहीं करो में नहीं होना, तुम्हारा नस्ल है ना, नस्ल से होते हुआ वो नूर अल्लाह अल्लाह तुम्हारे ही तक चला जाता है, जब ही तक जाता है तो ये बेबाहर हो जाती है, ये अल्लाह करना शुरू कर देती है। जब भी अल्लाह का कर्म शुरू कर देती है तो तुम सोते रहोगे ना, वो तुम अल्लाह करती रहेगी ना, कब्र में भी जाकर अल्लाह होती रहेगी ना, जो मैं नशर में जाकर अल्लाह होती रहेगी ना, जो यहाँ आंदे वो यहाँ आंदे। अब कुछ ऐसे बात तुम्हारे अंदर दो सी मखलूक है, तो मैं दो सौ आपको पता सोलह मखलूक है, तुम्हारे अंदर सोलह मखलूक है, उनके अपने अपने काम, और जब वो मखलूकें खत्म निकल जाती हैं तो मर जाते हैं, उसका मतलब तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ और मखलूके हैं जो तुम्हारे जिसमें बर्बादी है ना, मकान है ना, वो निकल गई खत्म हो गया, उनको सांस हवा से हमसा बोलती है, हवा से हमसा कुछ चीज है, जिसे दिन भेजते हैं स्तर में जो दे देखने के काम आता है, कुछ सुनने के, हर किसी अपने कोई चलने के, कोई अल्लाह अल्लाह करने के लिए, कोई उधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, वो चीजें तुम अंदर बैठी हुई है ना, एक चीज है तुम्हारी, उसको नाम नफ्स है, एक शैतान की है, तो वो बच्चा बचपन से शैतान होता है, उस शैतानी खुराक उसको मिलती है, वो थोड़ा सा ताकत पकड़ती है, वो खार में बाहर निकलती है तुम्हारी शक्ल में, देखा होगा ना, शैतानी ताकत के जरिए खार में बाहर निकलती है, यही शैतानों में घूम के वापस आ जाती है, तो तुम्हारी नफ्स है। अब दूसरी चीज है, उसको जब नूर देना ना, तो नूरी ताकत से बाहर निकले ना वो, उसमें ताकत है, नूरी ताकत से निकली बात, तो फिर नूरी में जाएगी, यहां से निकलेगी सीधी नूरी में जाएगी, तो उसी के आगे जाके झुकेगी ना, जिसके आगे सारे नबी और वली झुकते हैं, फिर दो मदद कैसे आई ना, दो मदद जाके किसका मर्द कर दिया था, उसके बाद जब तुम्हारे दिल में हर अल्लाह 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 हो गई, कोई भी चीज दिल में आ जाए उससे नाबूद हो जाती है, कोई भी चीज हा दिल ना हो या दिल हो, हा वली अल्लाह या हा अपनी औरत हो, कोई भी चीज दिल में आ जाए उससे नाबूद हो जाती है, जब अल्लाह दिल में आ जाए तो अल्लाह से नाबूद हो जाए, अल्लाह की नाबूद होगी ना, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की नाबूद आ जाती है, उसको पता लग जाता है ये बंदा मुझसे नाबूद करता है, वो किसी का एहसान लेता नहीं, उसके लिए एक रुपया खर्च करो दस रुपये लिखा देगा, ये एहसान माने कि क्यों नाबूद खाती थे, एक मेरी करो बीस मेरी करो स्वाद देगा, थोड़ी सी मोहब्बत करो दस गुना ज्यादा मोहब्बत करो, तो जिससे अल्लाह ने मोहब्बत कर ली, और एक दिन उसको देखता है सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है, और जिसने अल्लाह ने तुम्हें प्यार से देख लिया, तो मोहब्बत खत्म हो रही थी, इश्क का मकाम है ना, तो मैं तेरा और तू मेरा, उस वक्त अगर तेरे दिल में अल्लाह का इश्क है, उस वक्त उन्होंने इकबाल ने फरमाया जानो इश्क तो कुफर दिया है मुसलमानी, लेकिन कुफर अगर उसमें इश्क आ गए मुसलमानी है ना, अगर इश्क नहीं है तो मुसलमान भी दूसरे का फिर जल्दी भी कह रही है, उस वक्त अगर तू बे मजहब है फिर भी इन मजहबारों से देख रहे दिल में अल्लाह का इश्क नहीं है, समझे, इस वक्त जरूरत है कि तुम अपने अंदर इश्क पैदा करो, और वो तुम्हारे अंदर चीजें हैं, तो रूहानी चीज है, अभी भी वली अल्लाह है, कमरों में क्या है, कहते हैं कमरों में क्या है, ठीक है जिसम उनका मिट्टी में इसमें शक्ल है, रू उनकी ऊपर है, लेकिन वो बड़ी चीजें थी बाकी मखलूकें भी,
उनको अमूल इतनी ताकत में चाहिए ना कि वो कब्र में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, नमाज पढ़ रही है, लोगों के साथ पुचार रही है ना। आम आदमी को ताकत नहीं पहुंचाता है तो कब्र में खाया हो जाती है। तो हिंदू लोग जादूगर लोग उनको तो ना ही ताकत पहुंचाते हैं, तो ना ही ताकत से ताकत पकड़ के तो शैतानों के साथ मिल जाती है ना, उनको बदली हो जाती है ना। तुम्हारे अंदर तुम्हें बड़े बड़े खजान हैं, अब उनको बाहर निकालो तो तुम्हें पता चले। तुम एक जगह उलझे हुए ना, हमको उलझाए किसी हमारे अनुमान उलझाए ना, ये तो मुलमा के सामने बात करो मानूंगा नहीं। ये कहते हैं हदीस की बात ना कुरान की बात, ये जो दोनों इसमें शक नहीं, ना हदीस में ना कुरान में इन हजूर का किसी ने बात वो सीना जो खास के लिए था वो सीना आम के लिए होगा ना। तो जिसको जीत जाए अपनी किस्मत आजमाओ। नारायण तकबीर, नारायण ताला। हम तेरे अंदर जहान बन रहा तुम इसकी खबर नहीं, जब तुम्हें पता चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या है और कहां का तुम तक उनको पहुंचना है, यकीन करो तुम सबको छोड़ छाड़ के इसी में लग जाओ। तो वो बच्चों को भी करो नहीं नकल वो तुम्हारे किस काम आएंगे। कुरान में है जब सूट फूटा जाएगा नसल दर नसल रंग दर रंग सारे उसके खत्म हो जाए ना, वो तुम्हारे किस काम आएंगे। ये औरतों के लिए करेंगे ये तुम्हारे किस काम आएंगे, तुम्हारे लिए आगे तुम मरे हो मर जमत मिली तो ये भी तुम मकान वाले बना रहे हो, ये सब नकल है सोना चांदी के मामला। अब तक तुम खुद भी नकल असल तुम्हारे अंदर है ना अल्लाह, जिस तरह तुम्हारा मिशन यहां रह गया इस तरह तुम्हारी सारी चीजें यहां आ गई ना, वो असल ऊपर जाएगा ना, असल के लिए भूलो ना, तुम्हारा असल नहीं रहेगा ना, वो तुम्हारा मोहताज है ना। उसको रजा चाहिए जो तुम्हारे अंदर बंद है उनके सब ताले लगे हुए हैं। शरीर में तुमने सुना होगा हफ्ते का तो सात ताले लगे हुए शिविर के लिए उनको कुछ किस सूरत से उनको किस सूरत है उन तालों को खोलने की कोशिश करता है। तो क्रिकेट वाले क्या करते हैं, उन्हें जरबे लगाते हैं अल्लाह अल्लाह, तो जरबे से ताले खोलते हैं। तो जब वो ताले खोलते हैं तो उनमें से मखलूके निकलती है, जब मखलूके निकलती है रंग जगत सिखाते हैं, अपना अपना जगत करती है। तो उनका मकाम है किसी का तलक ये तुम्हारी शैतानी चीज है, इसका तलक इसी दुनिया से है, ये मासूर में घूम सकती है। वो जो कले वाली मखलूक है उसका तलक मलकूत है, वो वहां जाकर घूम सकती है। वो जबरूत है रूह वाली जबरूत तक चली जाती है और ये मखलूक वहां चली जाती है अल्लाह की जात है। तुम्हारे लिए मखलूक है और तुम सुनने शिया वहदी इसी चक्कर में लग गए ना, तुम कुरान पढ़ते हो नमाजें पढ़ते हो पढ़ते हो ना, कुरान में नहीं कहते नमाज पढ़ किसी जगह सबूत दे सकते हो कुरान में लिखा नमाज पढ़, कुरान में लिखा नमाज कायम कर, हर गए पहले क्यों जा पा रहे कायम का कहा ये नमाज पढ़ता था उसको अपने आप को मोमेंट समझता था, वो मोमेंट समझता खड़ा हुआ मैं बहुत अल्लाह के करीब हूँ मोमेंट था, जब नमाज छोड़ा फिर भी मेरा कहीं नहीं होता ना, नहीं नमाज तेरे अंदर जाए काम हो जाए फिर तुझे नमाज पढ़ के सारे हो फिर भी तेरे अंदर नमाज तो मेरे भी चलेंगे ना, सजा से आ गई। अब वो नमाज अंदर कैसे जाती है, कुरान में भी पढ़ते हैं ये इस तरह है जिस तरह ये एक बोतल है दवाई की, सब देख लिया तरकीब कैसी है किस किस काम में ये शफा देती है सब सारा उसका पता है, लेकिन मैंने लग जाएगी भी शफा तो जाएगी ना। इसी तरह कुरान पढ़े आना तू तो तेरे दिल में उतरी है तब तुझे शफा होगी ना, दिल में उतरते ही दिल के अंदर दम भरा पड़ा जब तक अंदर मन साफ नहीं होगा तो तेरे दिल में नूर नहीं जाएगा ना, नूर दिल अंदर ही जाएगा ना। उसके लिए सबसे पहले
अक्ष को नूर बनाना पड़ता है, अल्लाह के लिए उसमें नूर आता है, ये मैग्नेट हो जाता है। छोटी छोटी चूहिया बड़े तो मैग्नेट खींच देगा ना, जब तुम्हारे अंदर ये नूर आएगा, फिर तुम प्राण पड़ेगा उसका नूर अंदर, नमाज पढ़ोगे।